मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने और जूम ऐप पर बैठक की खबरों पर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अगर नीतीश कुमार को कोई जिम्मेदारी देने की बात सामने आएगी तो इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नीतीश कुमार इस पर विचार कर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाए। सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर विजय चौधरी ने कहा कि यदि जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाए तो यह अच्छा होगा। एक तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दूसरा है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, तीसरा है हम लोग क्या चाहते हैं। तो ये तो जब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय बता दिया गया है कि ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे, उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। ये जरूर बात थी कि अगर वो पद छोड़ रहे थे तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पद को धारित करें, तो वो हुआ, सब लोगों ने मतलब सहर्ष स्वीकार किया है। दूसरी बात है कि इसका कांग्रेस पे क्या असर है या नहीं असर है, ये तो कांग्रेस ही जानती है, या उनको संयोजक बनाया जा रहा है या जो भी बनाया जा रहा है। जहाँ तक जनता दल यू का मानना है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि उनका संयोजक बनना या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि गठबंधन की आगे की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से चलाया जाए। और ये बात जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी उसी में स्पष्ट था जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। देखिए, ये तो अभी एक तरह से काल्पनिक सवाल है, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी ने तय किया है इसकी आधिकारिक जानकारी मुझे नहीं है, या कल शाम तक तो पार्टी को भी नहीं थी। अगर इस बीच में कोई गतिविधि हुई होगी तो इन चीज़ों पर तो या तो हमारी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं या पार्टी में बैठकर विचार करके जो तय होगा, जो हमारे नेता तय करेंगे वही होगा, इसमें तो कोई दूसरी बात या किसी कोई दूसरा निर्णय हो नहीं सकता। देखिए, ये तो अपरिपक्व सवाल है और काल्पनिक है, लेकिन नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता या उनकी जो एक पहचान है विकास के काम के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और सबसे हाल में जातीय गणना को अमली जमा पहनाए जाने के मामले में, या फिर संख्या के आधार पर जो समाज का सबसे गरीब तबका है उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर, इन सब चीज़ों के कारण तो नीतीश कुमार एक राजनीतिक विश्वसनीयता के वाहिद चेहरा जो पूरे देश की सियासत में है ही ना। तो आपको